सो अभी हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है दैट इज़ रेप्लिकेशन प्रोसेस। हमने डीएनए रेप्लिकेशन का इंट्रो पढ़ा है कि रेप्लिकेशन होती कैसे है और उसके कौन से मॉडल हैं, और हमने आखिर में इस बात को प्रूव किया कि डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के ज़रिए होती है। अब ये क्या है और इसमें क्या काम होता है, ये ऑलरेडी जो वीडियो मौजूद है आप सबसे पहले आप उसको देखें और फिर इंशाल्लाह इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो रेप्लिकेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। देखो जी, डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है ना वो बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट भी है और बहुत एक्यूरेट भी है। देखो आप कोई भी काम तेज़ी से करना चाहते हो ना तो ऑब्वियसली उसमें गलती के चांसेस होते हैं। तो डीएनए की रेप्लिकेशन है बहुत ज़्यादा तेज़ है, और इतनी तेज़ है कि एक सेकेंड के अंदर ना कोई 50 से लेके 500 न्यूक्लियोटाइड्स की कॉपी हो रही होती है। ठीक है, एक सेकेंड में 50 से लेके 500 इवन के 1000 न्यूक्लियोटाइड तक भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब एक सेकंड में अगर इतने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड की कॉपी हो रही है तो उसमें चांसेस के उसमें गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर भी जो डीएनए की रेप्लिकेशन है उसमें जो हम डीएनए बना लेते हैं रेप्लिकेशन के बाद उसमें हम देखते हैं कि तकरीबन 1 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स के बाद, क्या 1 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स के बाद कोई एक गलती का चांस होता है, वो भी बहुत कम होता है। ठीक है, यानी कि 1 बिलियन न्यूक्लियोटाइड की कॉपी हुई विदाउट एनी एरर, ये तो कोई बहुत बड़ी बात है। ये कैसे होती है हम इसका जिक्र भी यहाँ पर करेंगे। तो डीएनए की रेप्लिकेशन बहुत तेज़ है और बहुत एक्यूरेटली होती है, और एक्यूरेट होने का मतलब ये भी है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि डीएनए की रेप्लिकेशन में गलती नहीं होती, गलतियाँ होती हैं, लेकिन उन गलतियों को करेक्ट करने के लिए हम इसी रेप्लिकेशन के दौरान एक काम करवाते हैं। एक हमारा एजेंट होता है जिसको हम एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, बेसिकली उसको कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज टाइप टू। डीएनए पॉलीमरेज टाइप टू ये हमारा वो एजेंट है जो 2 नंबर जो काम होता है हमारे डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान उसको ठीक करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज के साथ 2 लगा हुआ है जो इस बात की निशानी है कि 2 नंबर काम जो हुआ होगा हमारी रेप्लिकेशन के दौरान, दैट इज़ कि कोई हमने देखो जो रेप्लिकेशन होगी, हमने पढ़ा था पीछे वाली वीडियो में कि जो रेप्लिकेशन होती है वो एडेनिन के सामने थायमिन नहीं आना होता है। सो इस बेस पेयरिंग में अगर एडेनिन के सामने थायमिन ना आए बल्कि ग्वानिन आ जाए तो ये तो एक एरर आ गया, क्योंकि एडेनिन बेस के सामने हमारा ग्वानिन नहीं आना था, थायमिन आना चाहिए था। तो इस एरर को ठीक करने आपका डीएनए पॉलीमरेज टाइप 2 आता है, वो क्या करता है इसको काटता है और यहाँ से भगा के एडेनिन के सामने जो थायमिन लगाना होता है उसको लगा देता है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, फिर कोई एरर आ जाए पूरी डीएनए की रेप्लिकेशन में उसको करेक्ट करता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेज है डीएनए की रेप्लिकेशन में, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसका मतलब क्या है, ओरिजिन का मतलब होता है किसी चीज़ का स्टार्ट। तो अगर मैं इस तरह कोई डीएनए बनाऊँ, ये हमारे सामने एक डीएनए मौजूद है और ये बंद है, अब मैं इसकी कॉपी स्टार्ट यानी इसकी मैं रेप्लिकेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा। देखो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना उनके अंदर एक खास साइट होती है जहाँ पर एक खास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। किसकी बात कर रहा हूँ, प्रोकैरियोट्स की। कि प्रोकैरियोट्स जो सेल्स हैं उनका जो डीएनए है वो भी प्रोकैरियोटिक होगा। तो उस पूरे डीएनए में एक साइट ऐसी होती है जिसके ऊपर एक खास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मौजूद होता है, और आपका फिर जो आपने रेप्लिकेशन को स्टार्ट करना है तो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए एक एंजाइम आता है, उसको हेलिकेज कहते हैं, डीएनए हेलिकेज का काम होता है उस जगह को ढूंढना। प्रोकैरियोट के अंदर तो सिर्फ एक साइड होती है, और कौन सी साइड होगी उसके ऊपर एक खास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मौजूद होगा। तो डीएनए हेलिकेज आएगा प्रोकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक डीएनए के पास पहुंच जाएगा और ढूंढेगा कि जो ये एक खास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो कहाँ मौजूद है। अगर फॉर एग्जांपल उसे यहाँ पर वो डीएनए का सीक्वेंस मिलता है, डीएनए हेलिकेज यहाँ से घूमता यहाँ पर आके चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद वो इस ये जो पॉइंट है ना जुड़ा हुआ इस पॉइंट को खोल देगा। जब इसको खोल देगा तो पता है क्या होगा, ये डीएनए ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा था पहले तो अब ये इस तरह सीधा हो जाएगा, यानी कि समझो यहाँ पर कोई एरर, यानी आगे समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जुड़े हुए थे, आपने इसको खोल दिया तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गए। अब यानी कि ये स्ट्रैंड अलग हो गया है, ये स्ट्रैंड अलग हो गया, दोनों सेपरेट हो गए एक दूसरे से, किसकी मदद से, डीएनए हेलिकेज की मदद से। अभी तो प्रोकैरियोट के अंदर होता है तो यूकैरियोट के अंदर ये काम नहीं होता क्या, बिल्कुल होता है। लेकिन यूकैरियोट के सेल में ना कोई 100 से लेके 1000 कई ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पर डीएनए हेलिकेज चिपक सकता है। तो
प्रोकैरियोट में एक साइट होती है डीएनए हेलिकेज के चिपकने के लिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपके प्रोकैरियोटिक में एक है। यूकैरियोट में 100 से 1000 ऐसी जगह मौजूद हैं जिनको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, जहां पर आपका डीएनए हेलिकेज बाइंड होगा और बाइंड करने के बाद उसको अनवाइंड करेगा, दो डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट करेगा ताकि आप इसकी रेप्लिकेशन कॉपी कर सको। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो वो जगह जहाँ से काम स्टार्ट होता है उसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। और डीएनए हेलिकेज वो एंजाइम है जिसका काम है इन पॉइंट्स को तोड़ना। अब देखो, उसने पहले यहाँ पर एक तोड़ दिया, अब वो आगे बढ़ेगा, इस पॉइंट पर डीएनए हेलिकेज आएगा, जब इस पॉइंट पर आएगा तो इसको भी सेपरेट करेगा, तो ये भी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, फिर आगे आगे इसको सेपरेट करेगा, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, यानी कि ये दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। तो ये है डीएनए हेलिकेज का काम। तो इसके नतीजे में पता क्या होता है, ये जो आपका क्रोमोसोम था इस तरह का, ठीक है, डीएनए था, अब जो खुलने के बाद वो इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का, इसको कहते हैं फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर। यानी जैसे आपका फॉर्क होता है ना, उससे खैर तीन यहां पर वो होते हैं लेकिन इसके दो हैं, तो एक फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन बबल। और ये किस वजह से बनती है? ये इस वजह से बनती है कि डीएनए हेलिकेज आता है, दो स्ट्रैंड को सेपरेट करता है। सबसे पहला काम था ओरिजिन रेप्लिकेशन, ये हो गया। अब आपके डीएनए हेलिकेज ने क्या किया है, इन दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर दिया है। डीएनए हेलिकेज ये काम अकेला नहीं करता, डीएनए हेलिकेज की मदद करने के लिए हमारे पास एक गायरेज या जायरेज एंजाइम आता है। जायरेज पता है क्या करता है? अब देखो, कोई भी एक रस्सी होती है ना, उसको आप यहाँ से खोलते जाओगे तो सारा प्रेशर उसका आगे एग्जर्ट होता जाएगा। कोई भी अगर आप घर पे रस्सी ले लें और उसको पहले आप फोल्ड करें आपस में, यानी कि इस तरह आपस में उसको लपेट दें, लपेटने के बाद उसको ना आप यहाँ से खींच के यूँ अलग करें। जब अलग करेंगे ना तो ये होगा कि ये सारी जगह आपस में करीब आ जाएंगी और ये ऐसी हो जाएंगी, यानी कि बहुत करीब आ जाएंगी और ये खुल जाएगी, ये बहुत करीब आ जाएंगी और ये खुल जाएगी, यानी कि पूरा प्रेशर क्रिएट होता जाएगा। अब अगर डीएनए हेलिकेज का काम था इनको अलग करना, और क्योंकि एक बहुत ज़्यादा प्रेशर, एक बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो चुकी है आपके डीएनए के अंदर, और डीएनए हेलिकेज के लिए इसको अलग करना मुश्किल हो जाएगा, तो डीएनए हेलिकेज की मदद करने वहाँ पर गायरेज या जायरेज एंजाइम आता है। वो क्या करता है, ये जो टेंशन क्रिएट हो गई थी ना डीएनए के अंदर, हेलिकेज के आगे, हेलिकेज यहाँ पर होगा, उसके आगे यहाँ टेंशन जो क्रिएट हो गई है, उसको टेंशन को कम करना किसका काम है? जायरेज एंजाइम का काम है। एमसीक्यूज का पॉइंट है। तो अनवाइंडिंग किसका काम है? हेलिकेज का काम। टेंशन किसका काम? टेंशन को कम करना किसका काम है? जायरेज या गायरेज एंजाइम का काम है। और जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, इसको रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। एक और चीज़, अब आपने स्ट्रैंड्स को सेपरेट तो कर दिया है, क्या चांसेस हैं कि दोनों सेपरेट ही रहेंगे? हो सकता है दोनों दोबारा मिल जाएं, तो हमें इसका भी एक इलाज करना है कि दोबारा मिले ना। तो इनके, यानी कि इनको स्टेबल रखना है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड बन गए हैं, पहले डबल स्ट्रैंड आपस में मिला हुआ था, अब स्ट्रैंड सिंगल बन गए हैं। इन सिंगल स्ट्रैंड को एक दूसरे से अलग रखने के लिए और इसी हाल में स्टेबल रखने के लिए हमारे पास एक और प्रोटीन आता है जिसको SSBP कहते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है, उसका काम है जो सिंगल स्ट्रैंड बन गए हैं वो उनके साथ आके चिपक जाएगा, यहाँ पर आके चिपक जाएगा और इनको आपस में जुड़ने नहीं देगा। तो ये था हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसमें यही सब कुछ है, मैं इसके बाद बुक रीडिंग में करके दिखाऊंगा। तो सेकेंड स्टेज जो है वो आपके पास आता है इलोंगेशन का। इलोंगेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आपने लंबा करना है, ठीक है। तो इलोंगेशन कैसे होती है? अब बेसिकली आप ये रेप्लिकेशन कर रहे थे ना, तो अगर आप रेप्लिकेशन जब करना स्टार्ट करते हो तो आपके पास दो स्ट्रैंड आ जाते हैं। अब इन दो स्ट्रैंड्स की आपने रेप्लिकेशन करनी है, कॉपी बनानी है। एप्लीकेशन का मतलब है कॉपी बनानी है, कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर स्टैंड बनाने हैं। कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड क्रिएट करने के लिए आपका एक एंजाइम आके यहाँ लग जाता है, यहाँ पर एक एंजाइम आके लगता है, उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज टाइप टू। का काम था दो नंबरी को ख़त्म करना, इसको कहते हैं टाइप थ्री। डीएनए पॉलीमरेज टाइप थ्री जो है वो क्या करता है, आपके पेरेंट स्ट्रैंड को देख के यहाँ पर एक और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को क्रिएट करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, दैट इज टू क्रिएट अ न्यू डॉटर स्ट्रैंड, टू क्रिएट अ न्यू डॉटर स्ट्रैंड, ठीक है। अब जो डॉटर स्ट्रैंड बनाएगा वो इसका बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपका पेरेंट स्ट्रैंड है और पेरेंट स्ट्रैंड में यहाँ पर एडेनिन लगा हुआ है, तो जो नया डॉटर स्ट्रैंड यहाँ पर बन रहा होगा उसके सामने थायमिन लगाना है, तो इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उसी के काम को कॉम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अच्छा,
मैंने यहाँ पर जब हेलिकेज का जिक्र किया था मैंने एक चीज़ नहीं बताई कि हेलिकेज जो होता है वो क्या करता है, डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट करता है। हेलिकेज क्या करता है, डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट करता है। कैसे सेपरेट करता है, हमने पढ़ा है कि एडेनिन और थायमिन फॉर एग्जांपल आपस में जुड़े हुए हैं दो डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो जो आपका हेलिकेज एंजाइम होता है इन डबल बॉन्ड इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं तो स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। हेलिकेज का काम क्या है, एच से हेलिकेज, एच से हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना। तो इलोंगेशन किसका काम है, डीएनए पॉलीमरेज थ्री का काम है। कैसे, वो इस डीएनए आपके पेरेंटल स्ट्रैंड को देखेगा और वहां पे आके चिपक जाएगा और क्या करेगा, बिल्कुल उसकी कॉपी बनाता जाएगा। और कैसे बनाता जाएगा हम इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो इलोंगेशन में सिर्फ ये हो रहा होगा। अब डीएनए के तीन टाइप्स हैं, 1, 2, 3। 1 का काम क्या होता है, 1 का काम होता है बेसिकली आपके पास, बल्कि आगे डिस्कस कर लूँगा, बस मैं सिर्फ बता देता हूँ जो 1 है उसका काम होता है आपके पास कुछ होते हैं प्राइमर्स। एक प्राइमर्स क्या है, अभी मैं इसको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करता हूँ। एक प्राइमर्स जो होते हैं वो बेसिकली आरएनए का सीक्वेंस होता है। प्राइमर्स जो हैं वो बहुत सारे आरएनए के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ठीक है। तो इन प्राइमर्स को जो अलग करना है, सेपरेट करना है, रिमूव करना है, वो किसका काम है, डीएनए पॉलीमरेज 1 का। डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम है प्राइमर्स को सेपरेट करना और इनको सेपरेट करके इनकी जगह पर डीएनए न्यूक्लियोटाइड को लगाना। आरएनए न्यूक्लियोटाइड जो कि प्राइमर के हैं उनको अलग करके डीएनए न्यूक्लियोटाइड को लगाना 1 का काम है। 2 का काम क्या है, 2 का काम होता है बेसिकली प्रूफ रीडिंग करना, अगर कोई गलती हो जाए इसको ख़त्म कर देना। और 3 का काम क्या होता है, इलोंगेशन करना। अब इसके बाद आता है थर्ड स्टेज, दैट इज प्राइमिंग। प्राइमिंग स्टेज, इसको हम डीएनए की प्राइमिंग सिंथेसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मैंने आपको कहा कि डीएनए पॉलीमरेज टाइप 3 का काम है नए स्ट्रैंड को बनाना, बट ये ऐसे नहीं बनता, एक खास काम होता है। डीएनए पॉलीमरेज जो है बहुत नखरीला बंदा है, वो कहता है मैं अपना काम करूँगा बट मेरे काम करने से पहले मेरे लिए खास जगह तैयार की जाए, ठीक है भाई। अब जो डीएनए की सिंथेसिस होती है ना, मैं इलोंगेशन स्टेज में बताना भूल गया, अभी बता देता हूँ कैसे होती है। देखो ये फर्स्ट ईयर की जो मेरी एक ऑलरेडी वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने बताया कि कैसे जो आपका डीएनए होता है, डीएनए के डिफरेंट नाइट्रोजन के बेसिस होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, तो उसमें हमारे पास जो डीएनए होता है एक न्यूक्लियोटाइड डीएनए का दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या, डीएनए का एक स्ट्रैंड डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड डीएनए के, यानी कि अगर यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा होगा विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की वजह से ये न्यूक्लियोटाइड इस न्यूक्लियोटाइड के साथ आपस में जुड़ा होगा, ठीक है। जो जुड़ा होता है ना एक खास बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, समझो यहाँ पर एक 5 एंड है, यहाँ 3 एंड, 5 एंड और 3 एंड होता है आपके डीएनए के अंदर, यानी कि ये 3 कार्बन वाला और ये 5 कार्बन वाला। याद रखना 5 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप होता है और 3 कार्बन पे ओएच ग्रुप होता है। तो जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है ना वो फॉस्फेट ग्रुप और ओएच ग्रुप के दरमियान बनता है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी मैंने डिटेल में पढ़ाया है। सो अब जो डीएनए पॉलीमरेज है, अब उसने क्या करना है, सिंथेसिस करना है, नया स्ट्रैंड बनाना है। उस नए स्ट्रैंड को बनाने के लिए क्या करेगा, वो कहेगा मुझे नया स्ट्रैंड बनाना है, बिल्कुल मैं बनाकर दे दूंगा, मेरे लिए कुछ खास चीज़ें तैयार की जाएं। पहले शर्त भी रखता है, अपनी शर्त क्या रखता है, ये कहता है मैं जो काम करूंगा ना मैं वो इस तरह काम करूंगा कि जो आपका पेरेंट का पहले से डीएनए का स्ट्रैंड मौजूद है ना मैं उसके थर्ड वाले यानी कि 3 एंड से स्टार्ट करूंगा काम। क्या, कि जो पेरेंट का ऑलरेडी स्ट्रैंड मौजूद है ये उसका 3 वाला एंड है, ये 5 वाला एंड है, और नीचे वाला उल्टा होता है ना, अगर ये 5 है तो ये 3 होगा और 3 के नीचे 5 होगा। तो मैं पेरेंट के 3 वाली जगह से स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं जगह तो वहां से स्टार्ट करूंगा, वहां पर मुझे एक अलग से जगह तैयार कर दी जाए जहां से मैं अपना काम यहां से आके चिपक जाऊं और यहां से काम स्टार्ट करूं। जो अलग से काम उसको चाहिए, उसको चाहिए यहां पर एक प्राइमर चाहिए। प्राइमर क्या है, आरएनए का सीक्वेंस है। बेसिकली वो कहता है कि 3 के साथ यहां पर एक प्राइमर सीक्वेंस लगाओ। प्राइमर सीक्वेंस ऐसे लगाओगे कि उसकी इस तरफ तो होगा 5 वाली जगह और यहां पर होगी उसकी 3 वाली जगह। तो प्राइमर सीक्वेंस है समझो ये, वो ऐसा है कि उसकी इस साइड पे 5 एंड है और इस साइड पे 3 एंड है। और बेसिकली प्राइमर क्या है, वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। प्राइमर बनाना किसका काम है, प्राइमेज एंजाइम है उसका काम है। तो आप क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज से पहले आप यहाँ पर प्राइमर को लगा देते हो। जब प्राइमर लग जाता है डीएनए पॉलीमरेज कहता है अब मैं समझ गया हूँ, अब मैं अपना काम कर लूँगा। 3 के साथ नीचे प्राइमर लगेगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3, और जो सिंथेसिस होगी वो 3 को देख के होगी लेकिन 5 से लेके 3 की तरफ होगी, ठीक है।
देखो ये तो पेरेंट का स्टैंड है, मैं पेरेंट के स्टैंड की बात नहीं कर रहा, जो आप अपना स्टैंड बनाओगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाओगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड की सिंथेसिस होती है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड का जो सिंथेसिस है, सी से कॉम्प्लीमेंट्री, एस ए स्टैंड और एस ए सिंथेसिस, उसकी क्या होती है, वो फाइव से लेके थ्री एंड, फाइव ब्राइम टू थ्री एंड, ब्राइम एंड उसकी सिंथेसिस होती है। लेकिन जो फाइव ब्राइम से लेके थ्री ब्राइम है, ये कौन सा है, आपके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड का है। ये किसका है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड की बात कर रहा हूँ। अगर मैं पेरेंटल स्टैंड को देखूंगा तो उसका ऊपर वाला थ्री वाली जगह होगी, ठीक है। जो प्राइमर आपका बेसिकली आके लगता है, उसकी एक तरफ फाइव वाली जगह होती है, एक तरफ थ्री वाली जगह होती है। और याद रखना, अब पता है क्या, अब आप डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाएगा, वो ऐसे नहीं बनाता। वो जब देखता है कि जब प्राइमर लग गया है ना, तो प्राइमर के लगने से फ़ायदा ये होता है कि इस तरफ आ जाता है थ्री, तो जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पर आके काम करना स्टार्ट करेगा, और यहाँ पर वो बारी बारी न्यूक्लियोटाइड लगाता जाएगा। ये समझो एक स्टैंड बन रहा है पूरा, और उस पर बारी बारी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लगते जा रहे हैं। अभी जो बारी बारी इतने सारे न्यूक्लियोटाइड लगाएगा ना, उसको यहाँ पर ऑलरेडी थ्री वाली जगह चाहिए होती है। अगर यहाँ थ्री वाली जगह चाहिए तो पता है क्या होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये थ्री वाली जगह मौजूद है, ये प्राइमर है, उसकी ये थ्री वाली जगह मौजूद है, फाइव वाली, तो नया न्यूक्लियोटाइड लगता है ना, उसकी यहाँ पर फाइव वाली जगह होती है, तो वो फाइव वाली जगह थ्री के साथ बॉन्ड बना लेती है, और यहाँ पर उसकी थ्री वाली होती है, तो एक और जो न्यूक्लियोटाइड लगेगा दोबारा यही होगा, उसकी यहाँ पर फाइव वाली जगह होगी, और यहाँ वो थ्री के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में बॉन्ड बनाते जाएंगे। तो प्राइमर का फायदा क्या हुआ, उसने आपको थ्री वाली जगह दे दी, क्योंकि वैसे डीएनए पॉलीमरेज कोई न्यूक्लियोटाइड लगा ही नहीं सकता था, कैसे लगाता, उसको लगाने के लिए यहाँ पर थ्री वाली जगह चाहिए थी ना, लेकिन थ्री वाली जगह उसको मिल ही नहीं रही थी। तो इसीलिए क्या करता है प्राइमर, प्राइमर आरएनए का सीक्वेंस लगाता है, जब आरएनए का सीक्वेंस लगाता है तो उस तरफ उसका फाइव एंड होता है, इस तरफ थ्री एंड होता है, तो नया न्यूक्लियोटाइड लगाएगा डीएनए पॉलीमरेज, वो इस तरह लगाएगा कि उसका फाइव एंड इसके थ्री एंड के साथ बॉन्ड बनाता चाहेगा। तो इस तरह ये उसका काम हो रहा होता है इलोंगेशन में, और ये मैंने प्राइमिंग स्टेज में प्राइमर की बात भी कर ली। अब प्राइमर का काम हो गया इलोंगेशन। अब डीएनए पॉलीमरेज की थ्री टाइप्स हैं, अगर मैं इसको छोटा दोबारा डिस्कस करूं, तो जो वन वाली है डीएनए पॉलीमरेज, उसका काम क्या है, तो प्राइमर बेसिकली जो आपके बन चुके हैं ना, अब इनका काम यहाँ तक होता है कि काम करवा के भाग जाएंगे यहाँ से। तो अब जब प्राइमर का काम पूरा हो जाएगा, तो जो डीएनए पॉलीमरेज वन है, इन प्राइमर को रिमूव करेगा और इनकी जगह पर डीएनए न्यूक्लियोटाइड को लगा देगा, ये इसका काम है। फिर क्या होगा इसके बाद, तो टाइप टू है वो क्या करेगा, जब आपका पूरा ये बन जाएगा ना, तो देखेगा कि आपके पूरे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में कोई एरर तो नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है कि एडेनिन के सामने ग्वानिन लग गया हो, तो अगर कोई एरर होगा तो उसको वो ख़त्म कर देगा। तो तीसरे का काम क्या होगा, तीसरे का काम होता है सिर्फ लंबा करना है, इसको इलोंगेशन करना, नए डॉटेड स्टैंड को बनाते जाना। अब एक और चीज़ है, दैट इज आपके पास एक चीज़ होती है लीडिंग स्टैंड और एक होता है लैगिंग स्टैंड, ये लास्ट पार्ट है, ठीक है, और इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि इस पर टर्मिनेशन वाली भी है। सो अब होगा क्या, एक लीडिंग स्टैंड एक लैगिंग, फॉर एग्जांपल ये मेरा लीडिंग स्टैंड है। लीडिंग स्टैंड पता है कैसे होता है, लीडिंग स्टैंड होता है अगर यहाँ पर फाइव है ना और थ्री है, तो पेरेंट का जहाँ पर थ्री वाली जगह होगी ना, जो जहाँ पर पेरेंटल स्टैंड की थ्री वाली जगह होगी, वहाँ से आपका लीडिंग स्टैंड चल रहा होगा। पेरेंट की जो थ्री वाली जगह है, वहाँ से आपका लीडिंग स्टैंड चल रहा होगा। और लीडिंग स्टैंड में पता क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज होता है वो डायरेक्टली इस तरफ बढ़ता जाता है, यानी कि जिस तरफ आपका फॉर्क की अनवाइंडिंग हो रही है ना, डीएनए पॉलीमरेज उस तरफ चलता जाएगा, और नए नए, यानी आप एक दफ़ा आरएनए प्राइमर लगा दोगे बस, फिर डीएनए पॉलीमरेज आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियोटाइड लगाता जाएगा और आगे ये लंबा गिरता जाएगा। ये होता है लीडिंग स्टैंड। एक होता है लैगिंग स्टैंड, ठीक है। तो लैगिंग स्टैंड इस तरह होता है, अगर ये आपका पेरेंटल स्टैंड है तो उसका यहाँ पर होगा फाइव एंड, यहाँ पर होगा थ्री एंड, तो पेरेंटल स्टैंड के फाइव एंड के ऊपर मौजूद होता है आपका लैगिंग स्टैंड। मतलब वहाँ पर क्या होता है, आप एक आरएनए प्राइमर लगाते हो, तो आरएनए प्राइमर बेसिकली थ्री की तरफ लगता है ना, तो अगर आपने नई नई अनवाइंडिंग की है ना, अगर इस तरह नई नई अनवाइंडिंग की है, तो ये तो आपका फाइव एंड था, ये आपका थ्री एंड था, तो आपने यहाँ पर थ्री एंड पे प्राइमर लगाया, ये फाइव एंड होगा उसका और ये थ्री, और यहाँ पे एक ही दफ़ा होता जाएगा। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इसका हमारा थ्री एंड इस तरफ है, ये ऊपर इसका थ्री, ये इसका फाइव था, ये इसका थ्री था, अब इसका ये थ्री होगा, उसका ये फाइव होगा, तो थ्री की तरफ, यहाँ पर थ्री की तरफ लगेगा प्राइमर। जब प्राइमर लग जाएगा तो यहाँ पर उसका फाइव, थ्री की तरफ सामने फाइव होगा, यहाँ पर अगर थ्री है फॉर एग्जांपल, यहाँ थ्री के ऊपर फाइव होगा और इस तरफ होगा उसका थ्री, ठीक है। तो अब आपका जो नया स्टैंड बनेगा वो यहाँ पर लगाता जाएगा, यानी आपका डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर काम करना स्टार्ट करेगा और नया न्यूक्लियोटाइड को यहाँ चिपकाता जाएगा, और जब चिपकाता जाएगा यहाँ पर उसको जगह ही नहीं मिलेगी, यहाँ रुक जाएगा। अब जब वो यहाँ पर रुकेगा तो देखेगा थोड़ी देर बाद
कि उसकी अनवाइंडिंग जो पहले यहाँ तक थी अब यहाँ तक अनवाइंडिंग हो चुकी है। अब वो देखेगा कि मुझे डीएनए पॉलीमरेज देखेगा कि मुझे यहाँ पे जाके काम करना है, इसको ये मेरा काम खत्म हो गया, अब मुझे आगे चल के जाना है और यहाँ से काम स्टार्ट करना है। तो यहाँ से काम स्टार्ट करने के लिए उसे एक और आरएनए प्राइमर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नीचे थ्री एंड होगा, यहाँ फाइव एंड होगा और इस तरफ फाइव एंड है, तो थ्री एंड के ऊपर यहाँ पर एक प्राइमर लगाओगे। याद रखना प्राइमर हमेशा थ्री एंड पे लगता है। थ्री एंड पे लगाओगे तो इस थ्री एंड के सामने फाइव एंड लग जाएगा और दूसरी तरफ थ्री एंड होगा। दोबारा न्यूक्लियोटाइड लगाते जाओगे, जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड लगाते जाओगे, जब आप प्राइमर पे पहुंचोगे तो दोबारा आप रुक जाओगे, बिकॉज प्राइमर के सामने आपके पास आ जाएगा फाइव एंड और फाइव एंड पे आप कुछ लगा ही नहीं सकते। फिर दोबारा जब दोबारा अनवाइंडिंग हो जाएगी तो फिर दोबारा से आरएनए प्राइमर नीचे एक और लगाना पड़ेगा। यानी कि जो नीचे सिंथेसिस हो रही है ना, कि आपके पास डीएनए का स्ट्रैंड है और इस तरफ हो रहा है, इस तरह हो रहा है कि यहाँ पर आपका फाइव एंड है, यहाँ पर थ्री एंड है, तो फाइव एंड थ्री एंड पे तो एक दफ़ा आरएनए प्राइमर लगाया और डीएनए पॉलीमरेज इस तरफ जहाँ पर अनवाइंडिंग हो रही है उसी तरफ बनाता जाएगा, ये होगा लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन जो नीचे वाली जगह है जहाँ पर थ्री एंड यहाँ है, फाइव एंड यहाँ है, तो यहाँ पर आरएनए प्राइमर लगेगा। फर्क क्या है? उसका आरएनए प्राइमर यहाँ लग रहा है, हमारा यहाँ लग रहा है, और फिर यहाँ पर इस तरफ सिंथेसिस होगी। तो ये लीडिंग स्ट्रैंड होता है, ये लैगिंग स्ट्रैंड होता है। तो आपने देखा कि लैगिंग स्ट्रैंड पे बार बार प्राइमर लग रहा था, तो जो डीएनए का स्टैंड बन रहा था वो टुकड़ों में बन रहा था। इन टुकड़ों को आप ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट कहते हो, और ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट कहाँ मिलते हैं? लैगिंग स्टैंड में मिलते हैं। ये एमसीक्यूज़ का पॉइंट है, ओकाज़ाकी, दैट इज OKAZA, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल आपने डीएनए सिंथेसिस कंप्लीट कर लिया, तो लास्ट स्टेज आता है आपका टर्मिनेशन, ठीक है? और टर्मिनेशन में पता क्या होता है? टर्मिनेशन में ये होगा कि डीएनए पॉलीमरेज समझेगा काम मेरा पूरा हो गया है, मैंने सारी सिंथेसिस कर ली है। तो उसके पास जो आपने प्राइमर लगाए थे ना, सबसे पहले उन प्राइमर को हटाया जाएगा, और प्राइमर को हटाएगा कौन? डीएनए पॉलीमरेज की टाइप वन प्राइमर को हटाएगा। जब प्राइमर को हटाएगा ना, तो बेसिकली यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड दो प्राइमर को हटा के यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लगाएगा, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का, डीएनए पॉलीमरेज वन प्राइमर को हटा के, प्राइमर के आरएनए सीक्वेंस को हटा के डीएनए न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लगाएगा। जब डीएनए न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लगाएगा तो फिर क्या होगा? जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है उनको आपस में जोड़ना भी है, तो उसको जोड़ने के लिए एक एंजाइम होगा डीएनए लाइगेज, वो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज वन क्या करेगा? आरएनए प्राइमर को हटाएगा और डीएनए न्यूक्लियोटाइड को लगाएगा, ये टर्मिनेशन में काम होगा। फिर डीएनए पॉलीमरेज टू क्या करेगा? डीएनए पॉलीमरेज टू देखेगा, वो प्रूफ रीडिंग करेगा, यानी कि वो पढ़ना स्टार्ट करेगा कि जो मैंने डीएनए बनाया है उसमें गलती तो नहीं है, अगर कोई गलती होगी तो उस गलती को ठीक करेगा। और इस तरह फिर आपका टर्मिनेशन स्टेज हो जाएगा। कैसे ख़त्म होगा? लाइगेज एंजाइम होगा, और लाइगेज क्या करेगा? दो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को आपस में चिपका देगा, यानी कि जहाँ जहाँ से आपने प्राइमर हटाया है ना, तो उसके न्यूक्लियोटाइड को आपको जोड़ने की भी जिम्मेदारी होगी। तो उन न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम उनको आपस में जोड़ेगा, और इस तरह हमारा डीएनए की रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।